Hey guys, welcome back to my channel once again. So, आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ अपना मेकअप रिमूव. आपने ये लुक अगर नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज जाके मेरे चैनल में देखें. दिस इज अ स्पेशल नवरात्रि फेस्टिव मेकअप लुक क्योंकि मैंने पोस्ट किया है और अब मैं इसको उतारने वाली हूँ और मैं कुछ स्किन केयर अप्लाई करने वाली हूँ, विच इज कोरियन स्किन केयर, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था. अगर नहीं दिख रहा है, आपने वो भी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं. तो आज मैं कुछ अप्लाई करने वाली हूँ कोरियन स्किन केयर और अभी मैं अपना मेकअप रिमूव करने वाली हूँ. तो चलो स्टार्ट करते हैं. वीडियो पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले मैं उतार लेती हूँ अपनी ज्वेलरीज. आई नो आई लुक वेरी प्रिटी. ओके, वाटर रिलीफ. उसके बाद ये आई लेंसेज. दीज आर जस्ट, मुझे लेंसेज, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लेंसेज पहनना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन स्टिल मैं लुक के लिए पहनती हूँ. और ये रहा उसका कवर. लाइक ये है डू डॉक्टर ली के लेंसेज है और बहुत ही कंफर्टेबल है. इसका ये एक क्यूट सा बॉक्स है जिसमें मिरर भी है और इसके साथ आपको कुछ एप्लीकेटर मिलते हैं और ये उसका बॉक्स है. इसका भी मैं जल्दी वीडियो डालने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. उसके बहुत ही प्रिटी प्रिटी कलेक्शंस आए हैं, बहुत ही प्रिटी शेड्स आए हैं. सो मैं इसके साथ तो लेंसेज मैंने उतार लिए हैं. अब मैं अपने बालों को ज़रा खोलूँ. बाय द वे मैंने हेयर कट करवाया है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी कट करवाया है मैंने. अपने बालों को आगे से थोड़ा सा फ्लिक्स करवाया है और मैंने ये कर्ल अपने हेयर स्ट्रेटनर से किया है. सो अब मैं अपने बाल ओके. सो सबसे पहले हम क्लेंज करेंगे अपने फेस को और मैं यहाँ पे सेटाफिल का क्लेंजर यूज कर रही हूँ. बहुत ही अमेजिंग क्लेंजर है, बहुत ही अमेजिंग. और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इनिसफ्री के वेट वाइप्स. फेस फेस वॉश से धो सकते हैं, आपके ऊपर है, बट मैं हमेशा फेस वॉश से धोती हूँ तो मैं धोकर आती हूँ. ओके, सो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है. अभी मेरी स्किन बहुत ही अच्छी है, कंडीशन में टच वुड मुझे मेरी ही नज़र ना लगे. मुझे एक्ने की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि मैं हमेशा अपने स्किन केयर के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ यूज़ करती हूँ. स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ, सॉरी, हर एक चीज़ मैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करती हूँ. और मेरा स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन है, कभी ड्राई होता है कभी ऑयली होता है. सो आपको ये दिख रहा है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया है, इसमें बहुत सारा स्किन केयर है, कोरियन स्किन केयर है बेसिकली. तो ये है मैंगो पील, पीलिंग जेल बेसिकली. ये है मास्क एंड ये है बहुत सारे स्लीपिंग मास्क. तो ये तीनों चीज़ों मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी पीलिंग जेल और ये बहुत ही अमेजिंग है. मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, बहुत ही अमेजिंग है. इंस्टेंट ग्लो आता है और बिल्कुल थोड़ी सी ही क्वांटिटी इज इनफ. लाइक इतनी सी क्वांटिटी बहुत है. मैं इसको फिर से डेफिनेटली लेके आऊँगी. तो हमें इसको लगाना है और इस तरह से रब करना है. ये पीलिंग जेल है तो ये आपके फेस से पील होता रहेगा और आपका जो भी डेड स्किन है वो आपके स्किन से रिमूव हो जाएगा. और तो हमें 2 मिनट के लिए इसको मसाज करना. आप देख सकते हैं इसमें पील हो रहा है. 2 मिनट मसाज करने के बाद हमें इसे वॉश कर देना है या फिर आप वेट वाइप से भी क्लीन कर सकते हो. मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ इसका ग्लो. यू कैन सी, माय गॉड, मैंने अपने फेस पे अभी कुछ भी नहीं अप्लाई किया और मेरा फेस इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है क्योंकि इसको लगाने के बाद ना इंस्टेंट ग्लो आता है, इंस्टेंट. मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरा स्किन कितनी ज़्यादा क्लीन लग रही है, कितनी ग्लोइंग लग रही है और कितनी प्लम्बी लग रही है बिल्कुल. और मेरे ओपन पोर्स भी काफ़ी हद तक श्रिंक हुए हैं इसकी वजह से. मैं इसको ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ. सो आई एम जस्ट टोटली लविंग इट, टोटली. सो अब मैं जा रही हूँ अप्लाई करने के लिए फेस मास्क और मैं आज अप्लाई करूँगी कोकोनट वाला मास्क क्योंकि मैंने कोकोनट 2 लिए हैं.
तो मैं ये अप्लाई करूँगी कोकोनट मास्क, और ये मेरे स्किन को करेगा, इसमें लिखा हुआ है इसका बेनिफिट। ओके, जो बेनिफिट है वो नरिशमेंट के लिए है, ये ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, नरिशमेंट के लिए है, सो इट्स फाइन। नरिशमेंट के लिए यूज़ करूँगी मैं, और इससे पहले मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे टोनर। तो मैं यहाँ पे फॉरेस एसेंशियल का रोज़ वाटर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कोई टोनर नहीं लिया है। टोनर अप्लाई करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हमें इसे 20 मिनट के लिए रखना है। ओके, बहुत ही सॉफ्ट है, लाइक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ बहुत ही मक्खन से भी ज़्यादा जो चिकनी चीज़ होती है ना, मुझे वैसा फील हो रहा है। ऐसा फेस शीट मैंने कभी भी टच नहीं किया है आज तक, सीरियसली कभी नहीं किया है। बहुत ही सॉफ्ट है। ओके, और इसकी फ्रेग्रेंस तो माशाल्लाह है, माशाल्लाह। और ये कितना इजीली लग गया है यार, मुझे तो अभी से ही बहुत मजा आ रहा है, और इजीली मेरे स्किन में सेट हो गया है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। ओके, तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, अदरवाइज ही मेरे बालों में लग जाएगा और मेरे बाल ऑयली हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की है, आप देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। तो अब हमें इसे रखना है 20 मिनट्स के लिए, और हम इसे दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर पे, और आप इसको नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, सो मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी हो गया है। सो चलो अब इसको उतारते हैं और देखते हैं। वाओ, माय स्किन लिटरली ग्लो। तो इसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो मैं इसे फोल्ड करके रखने वाली हूँ वापस, और मैं इसे कल दोबारा यूज़ करूँगी। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स नॉट गुड और इट्स नॉट सेफ, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम इसको अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया या किसी भी चीज़ का आना पॉसिबल ही नहीं है। और मैं इसको अच्छी तरह से सील करके रखूँगी ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। सो इट जस्ट अ वेस्ट कि अगर आप इसको फेंक देते हो एक यूज़ में तो। सो या अब ये आप काफ़ी देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मसाज करूँगी और इसे अच्छी तरह से अपनी फेस में अब्सॉर्ब कर लूँगी। मैं इसे थोड़ा अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ। तब तक मसाज करनी है जब तक ये पूरी तरह से हमारे स्किन में अब्सॉर्ब नहीं हो जाता। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, और मेरी स्किन में एक पिंकिश ग्लो आ रहा है। लिटरली कोरियन ब्रांड्स आर दी बेस्ट, दी बेस्ट। इनकी अलग ही क्वालिटी होती है, लाइक अलग ही क्वालिटी होती है, जो मुझे नहीं लगता मुझे आज तक महंगे से महंगे ब्रांड में दिखी है, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी होता है और अच्छा भी होता है। महंगे ब्रांड ऑब्वियसली अच्छे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे आज भी याद है, मैंने क्लिनिक का एक 4500 का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था, विच इज़ टोटली वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि वही मॉइस्चराइज़र मुझे 500 में भी मिल सकता था। सो मैं कोशिश यही करती हूँ आजकल कि मैं ज़्यादा स्किन केयर में और मेकअप में ज़्यादा ब्रांडेड पे ना जाऊँ, क्योंकि दीज आर रियली अफोर्डेबल एंड रियली वर्क्स फॉर माई स्किन। आप देख सकते हो, तो मैं ये अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो गया है। मैं अप्लाई करूंगी स्लीपिंग मास्क, और मेरे पास ये 3 मास्क, एक है सी बटर, एक है एलो एंड एक है लेमन। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी सी बटर, और दिस इज फॉर ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिशमेंट देता है। सो मुझे ऑलरेडी, मैंने ये जो शीट लगाया है इससे मेरा मॉइस्चराइजर मॉइस्चर और नरिशमेंट मिल गई है, तो मैं दूसरा कुछ अप्लाई करती हूँ। मैं अप्लाई करूँगी लेमन, ये स्किन को ब्राइट करता है। क्वांटिटी इसकी ठीक ठाक है, लाइक ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, और
मेरे ख्याल से मुझे इसकी और भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं डेफिनेटली इसको और लेने वाली हूँ। सो ये थोड़ा सा ही काफ़ी, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट है और इतना ही काफ़ी है। तो हमें इसे इस तरह से अपनी टिप्स पे लेना है, एंड लाइक दिस। ओह माय गॉड, दिस इज आल्सो वेरी स्मूथ। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लो है, और ऐसा नहीं है कि इसमें लेमन है तो आपके स्किन को इरिटेशन हो रही है या कुछ ऐसा है, सब बिल्कुल भी नहीं है। और हमें इसको लगा के ओवरनाइट सो जाना है, और मॉर्निंग में आप जैसे नॉर्मल फेस धोते हैं या फेस वॉश करते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि ये अपना काम रात को ही करता है, दैट इज़ वाई इसका नाम है स्लीपिंग मास्क। और मेरी स्किन में एक अलग सा पिंकिश, इवन मेरे नोज़ कितना ज़्यादा पिंक हो गया है, और मेरे चीक्स यहाँ पर इतने ज़्यादा पिंक लग रहे हैं, और मुझे ऐसा बहुत पसंद है जब मेरी स्किन में ऐसा ग्लो आता है। तो सो जस्ट लुक अमेजिंग गाइज, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप भी ये ट्राई करें। आपको कोरियन जो ब्रांड है वो आपको ईजिली अब इंडिया में अवेलेबल है, उसके शॉप्स मिल गए, आपको ऑनलाइन भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आई होप कि मैंने चेक नहीं किया कि ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, बट आई एम श्योर कि ये होगा। मैं अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डेफिनेटली अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।